तो UFC 287 के बाद अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि एलेक्स परेरा अपने कैरियर में अब आगे कैसे जाने वाले हैं, UFC में उनकी अगली फाइट कैसे होने वाली है, कौन से डिवीजन में होने वाली है, क्या वो मूव अप करेंगे, लाइट हैवी वेट में जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। UFC 287 के बाद फर्स्ट टाइम एलेक्स परेरा ने अपने लॉस के ऊपर रिएक्ट करा है, अपना रिप्लाई दिया है और एक ट्वीट करके उन्होंने ये बताया है कि वो अभी बिल्कुल सही है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है वो। और उन्होंने थैंक करा है अपने फैंस को सपोर्ट के लिए। और अगर आप उनके ट्वीट के लास्ट लाइन में जाके देखोगे स्पेसिफिकली, तो वहां पे ये लिखा है कि अब उनको रेस्ट करना है और फिर कंटिन्यू करना है उन प्लान्स पे जो ऑलरेडी इन मोशन है। तो देखिए इस लास्ट लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि रीमैच होना चाहिए, 1-1 इक्वल है, वापस से इजराइल अडेसान्या के साथ फाइट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि ये फाइट दोबारा से होने वाली है और ये फाइट दोबारा से इजराइल अडेसान्या एलेक्स परेरा से फाइट करेंगे, क्योंकि डेना वाइट और इजराइल अडेसान्या ने सामने सामने ये बोल दिया है कि वो एलेक्स परेरा के साथ मैच के लिए रेडी नहीं है। डेना वाइट ने भी इसको कहीं ना कहीं नकार ही दिया है और इनफैक्ट एलेक्स इजराइल अडेसान्या ने भी मना कर दिया था रीमैच के बारे में अपने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एलेक्स परेरा भी रीमैच के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। देखिए अगर उनको रीमैच चाहिए होता तो वो इस ट्वीट में रीमैच की बातें करते। और अगर आपको याद होगा कि मैंने अपनी UFC 287 की पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया था कि एलेक्स परेरा को अब वेट कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और वो 285 का वेट कट करने में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, आपने अगर सारे इंटरव्यूज वगैरह फॉलो करे होंगे, तो उसमें एलेक्स परेरा खुद भी बोलते हैं कि वो इजराइल अडेसान्या से इस बार लास्ट बार फाइट करने वाले हैं, भले कोई भी रिजल्ट आए कुछ भी हो, लेकिन वो इजराइल अडेसान्या के साथ ये लास्ट फाइट होने वाली है उसकी उनकी मिडिल वेट डिवीजन में। और डेना वाइट ने भी यही सारी चीज़ें बोली कि एलेक्स परेरा और उनका खुद का टीम ही ये बोल रहा था स्टार्टिंग से ही कि उनको अब लाइट हैवी वेट में मूव ऑन करना है, 205 पाउंड में मूव ऑन करना है। तो यहाँ पर UFC नहीं चाहेगी कि वो वापस से मिडिल वेट डिवीजन में जाए और मिडिल वेट डिवीजन में ये फाइट होगी उनकी। क्योंकि देखिए एक तरीके से और होता है, UFC हमेशा फ्यूचर का देख के चलती है। अभी एलेक्स परेरा को यहाँ पर टाइटल शॉट इंस्टेंट रीमैच इसलिए नहीं करवाएगी क्योंकि बाई चांस अगर एलेक्स परेरा ये फाइट को जीत भी जाते हैं रीमैच में, तो वो चैंपियन बने नहीं रहेंगे, उनको अपनी बेल्ट वेकेट करके लाइट हैवी वेट में जाना पड़ेगा क्योंकि वे वेट कट बहुत ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। तो ऑब्वियसली फिर वो चैंपियनशिप अगर इजराइल अडेसान्या से जीत जाते हैं, फिर बेल्ट वेकेट करके लाइट हैवी वेट में चले जाते हैं, फिर वेकेंट हो जाएगा टाइटल, तो ऐसे ही बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो इसी हिसाब से UFC यहाँ पे बिल्कुल भी चाह नहीं रही कि वापस से कोई रीमैच वगैरह हो। और अगर हम स्टैटिस्टिकली भी देखें और ये यहाँ पर फाइट वाइज भी देखें, तो 4 बार ऑलरेडी इन्होंने फाइट कर ली है और 1-1 इक्वल MMA पे हो गया, एक दूसरे को TKO KO दोनों कर दिया एक दूसरे ने, तो और भी कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। हालांकि देखिए यहाँ पे ट्रिलेजीज तो होती हैं, ट्रिलेजीज UFC में बहुत बार होती है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एज अ फाइट फैन, एज अ एलेक्स परेरा फैन, मैं तो चाहूँगा कि इजराइल अडेसान्या के साथ दोबारा फाइट हो ताकि एक ट्रिलेजी हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सेंस नहीं बनाएगी। और स्पेसिफिकली एलेक्स परेरा के लिए यहाँ पर उनके कैरियर के लिए, उनके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि वो 185 पाउंड डिवीजन छोड़ के 205 पाउंड डिवीजन में चले जाए, लाइट हैवी वेट। UFC 287 में एलेक्स परेरा का नॉकआउट हो गया तो अब वापस से बहुत सारे MMA फैंस जो रहते हैं, MMA न्यूज़ चैनल्स जो हैं बहुत सारे, अब वो बोलने लगेंगे कि एलेक्स परेरा तो बहुत ओवर रेटेड था, मैंने तो पहले से ही ये बोला था। बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स भी दिखेंगे जो ये बोलेंगे, मैंने तो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि एलेक्स परेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल भी एलेक्स परेरा को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हम, वो बंदा लेजिट है, वो कोई फ्रॉड नहीं है या वो कोई जल्दी से हाइप जॉब नहीं था UFC का, वो चैंपियन बना अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी के कारण, उसकी पावर रियल है, उसकी स्ट्राइकिंग रियल है। ऑब्वियसली वेट कट का इशू के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है वेट कट करने के कारण, और 205 पाउंड में जो सारे बंदे बोल रहे हैं कि लाइट हैवी वेट में एलेक्स परेरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे भी सब लोग उसको नॉकआउट कर देंगे वगैरह वगैरह, इजराइल अडेसान्या ने कर दिया तो लाइट हैवी वेट तो कर ही देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट हैवी वेट में इसके पास इसकी चिन में पूरा पावर होगा, इसकी खुद की जो पावर होगी एलेक्स परेरा की वो इंक्रीज रहेगी। और हम देख सकते हैं एलेक्स परेरा और इजराइल अडेसान्या आज के टाइम पर भी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट किक बॉक्सर्स हैं, और किक बॉक्सर्स जैसी एक्यूरेसी और स्ट्राइकिंग मुझे नहीं लगता लाइट हैवी वेट के कोई MMA फाइटर में होगी। क्योंकि देखिए एलेक्स परेरा को भी KO करा सिर्फ इजराइल अडेसान्या ने, कोई और किसी और ने नहीं करा, और इजराइल अडेसान्या की स्ट्राइकिंग वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट किक बॉक्सिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ईजिली कोई भी लाइट हैवी वेट का फाइटर आके सीधा सीधा एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर सकता है। और लाइट हैवी वेट में एलेक्स परेरा को भी बस एक ही पंच चाहिए होगा किसी को क्लीन आउट करने के लिए, किसी को
नॉकआउट करने के लिए। और स्पेसिफिकली हम वहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट हैवी वेट में उनकी चिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, वो पूरा डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, तो वहाँ पर उनका उसको उनको उनको उस चीज़ का भी बेनिफिट मिलेगा, उनको कार्डियो का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने वाली होगी। और डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स परेरा लाइट हैवी वेट डिवीजन में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जैसा वो अपनी ग्लोरी किक बॉक्सिंग में भी वो लाइट हैवी वेट डिवीजन में भी कम्पीट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, क्या वो एलेक्स परेरा लाइट हैवी वेट डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं और किसके साथ कम्पीट करेंगे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सबका क्या ओपिनियन है, क्या ये रीमैच होना चाहिए एलेक्स परेरा का या एलेक्स परेरा को 205 पाउंड डिवीजन में चले जाना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसा UFC का कॉन्टेंट हिंदी में देखने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।